नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलिया ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी रहमतों से सदैव भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे शिवरात्रि का जो त्यौहार है, जो हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही आदर के साथ, आप कह सकते विश्वास के साथ मनाया जाता है। वो त्यौहार है महाशिवरात्रि का त्यौहार, जो कि 21 फरवरी को पड़ रहा है। देखिए, शिव जी की पूजा आज से नहीं वरन प्राचीन काल से होती है। यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पाकालीन संस्कृतियों में भी जो अवशेष मिले हैं, उसमें शिव पूजा के अवशेष आज भी बाकी हैं। कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर, जो सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, दूसरे देशों में हमारे देशों की जो सभ्यताओं के चिन्ह है, उसमें भी शिव पूजा के उल्लेख हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिव हमारे देश के अनादिकाल से देवता रहे हैं। वो भोले बाबा भी कहे जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भोले होते हैं। उनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, वरन समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया। इसी वजह से उन्हें भोले कहा जाता है। कहते हैं कि यदि भोले बाबा को एक लोटा जल भी चढ़ा दो, वो उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि वास्तविक रूप में शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, वास्तविकता तो ये है कि यदि आप अपने ईश्वर को सच्चे मन से चाहते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, तो ईश्वर का सिर्फ एक बार नाम स्मरण करना भी आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, तो आप ईश्वर के नाम का जप, भगवान भोलेनाथ के नाम का जप यदि निरंतर करते हैं, तो आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। अनेकों कष्टों में, अनेकों बाधाओं में इससे मुक्ति मिलती है। और शिवरात्रि का जो ये त्यौहार होता है, ये विशेष रूप से रात्रि काल में इसमें पूजा की जाती है, निशित काल में, और इससे कुंडली में जितने श्राप दोष होते हैं, काल सर्प दोष होते हैं, उनके निवारण में भी ये बहुत ज्यादा काम आता है। इसके अलावा जिन लोगों की मार्गशीर्ष की दशा चल रही है, या किसी विशेष ग्रह, खासकर शनि ग्रह की पीड़ाओं के शमन के लिए, राहु की पीड़ाओं के शमन के लिए भी शिव पूजन का ही विशेष महत्व। तो आप समझ सकते हैं कि शिव पूजन अपने आप में सर्वोत्तम है। यदि हम किसी अन्य देवी देवता को भी ना पूज के केवल शिव जी की भी पूजा करें, तो हमें जीवन के समस्त सुख सिर्फ भगवान भोलेनाथ की आराधना से ही मिल जाते हैं। देखिए, शिवरात्रि का ये जो त्यौहार जो 2020 में पड़ रहा है, इस दिन जो शुभ मुहूर्त है वो है निशित काल, जिस पूजा का विशेष काल होता है, वो रात्रि 12:08 से लेकर 1 बजे तक है। अगले दिन पारण का जो समय होगा, अर्थात व्रत के खोलने का समय, वो 22 फरवरी को 6:57 से 3:23 तक रहेगा। इसके बाद जो आपकी चतुर्थी तिथि है, उसका आरंभ 21 फरवरी को ही हो जाएगा, जो 5:20 से शुरू होगा, और इस चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वो अगले दिन 7:02 में 22 फरवरी को है। तो आप इस पूरे पर्व को पूरी शिद्दत के साथ, पूरे भाव के साथ, भगवान के साथ जुड़ कर बिताएं, निश्चित रूप से आपको इसका विशेष फल मिलेगा। इस दिन यदि आप सफेद चंदन से प्रभु की पूजा करते हैं, तो यश और सौभाग्य बढ़ाती है। और इसके अलावा यदि आप थोड़ा सा सफेद चंदन का तिलक भगवान को जरूर लगाएं। कहते हैं, चूंकि हमारे गुरुजी ने हमें बताया है कि जिन लोगों के यश की कामना है, और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, यदि उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा आती है, तो वो अवश्य रूप से भगवान शंकर को सफेद चंदन का जो तिलक है वो अर्पण करें, और अपने मस्तक पे भी धारण करें, तो इसकी वजह से राहु व शनि से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। लेकिन भगवान शिव ने शिव पुराण में भी स्पष्ट कहा है कि कर्म करते हुए इस प्रकार से पूजा करें तो शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सदैव अपने कर्म ईमानदारी से करते रहें, और निश्चित काल के समय इस दिन यदि आप ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम इस महान मंत्र का जप करते हैं, कम से कम 1008 माला का जाप करते हैं, आपको अक्षत पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि आप इस दिन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेते हैं, बार बार लेते हैं, जितनी बार आप सोचे उतनी बार लें, यदि आपके ऊपर मार्गशीर्ष की दशा चल रही है, बहुत कठिनाइयों का समय चल रहा है,
तो भी इस तरह से 12 ज्योतिर्, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम लेने से आपको महामृत्युंजय जाप के जैसा फल देगा। इन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम आपको इस प्रकार से लेना है, यदि आपकी साढ़े सती चल रही है, मार्गशीर्ष चल रहा है, तो आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उनको बिल्व पत्र अर्पित करें, निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी समस्याओं में सुधार आएगा। तो वो महान नाम है ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम ओंकारेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम घुष्मेश्वराय नमः, ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, ओम वैद्यनाथाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः, ओम केदारनाथाय नमः, ओम भीमांकराय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रोगी भी है और निरंतर इस मंत्र, इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम का जप करते हैं और ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम का जप करते हैं, भगवान शिव जी को सफेद चंदन का तिलक अर्पित करते हैं और काले तिल चढ़ाते हैं, बड़े से बड़े रोगों में भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन वही है कि आप भाव से, विश्वास से जुड़िए और अपने कर्म को करते रहिए, निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।